मिश्रा जी, गुड टू सी यू। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात, बड़ा मुश्किल होता है आपको कहीं इस तरह के कुछ इवेंट पे देखना, हाउ कम यू आर हियर? निरंजन को मैं कई साल से जानता हूँ, वो गजब के हेयर स्टाइलिस्ट हैं और बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही जुनून है और पैशनेट हैं अपने काम को लेके वो। और जब मुझे बताया गया कि ये अपना नया वो शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे आना ही था। क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं जब भी देखिए, जैसे आपने निरंजन का जिक्र किया, यू मस्ट बी नोइंग ही मस्ट बी योर फ्रेंड, जब किसी ब्रांड से जुड़ते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या ये क्वालिटीज होनी चाहिए तो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद द ब्रांड? पहला कि कितना रेलेवेंट है, कितना आज के समय के साथ कितना उन्होंने उसको इवॉल्व किया है अपना, जो मैंने अभी अंदर भी जाके देखा तो बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ये अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में ओशीवारा एरिया में है ये। और निरंजन और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएँ। आप खुद कितना ऑफन सैलून का विजिट करते हैं? महीने में एक दो बार हो ही जाता है। आप सब कुछ ढर्रे पे आ चुका है, जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, थिएटर भी खुल चुके हैं, फिल्में भी हल्के हल्के करके रिलीज हो रही हैं थिएटर में, क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव के बारे में, एक पॉजिटिव नोट पे सब कुछ जा रहा है? मुझे लगता है कि कोविड जो है वो उसकी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आएगी और वो छुमंतर हो जाएगा एक रात में, वो कई साल तक हमारे बीच में रहेगा। लेकिन उसके बीच में रहते हुए, जैसे भी मेरे मास्क, मैं आपसे बात करने के लिए मास्क मैंने उतारा है, अदरवाइज लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन बोल रहा है। तो वो प्रिकॉशन, जैसे आपने भी 99% लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि अगले कुछ सालों के लिए, एक साल दो साल या कुछ महीनों के लिए, हमें मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ानी होगी, ज़िंदगी तो आगे चलानी है। सर, ये भी कहना चाहूँगा कि आप सक्सेसफुल फिल्म के पार्ट रहे हैं, ब्रांड्स के पार्ट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कैरेक्टर रोल जो प्ले करना होता है उसको कितना ज़्यादा एक तज़ुर्बा दिया जा रहा है, एक वैल्यू दिया जा रहा है आज के टाइम में? नहीं, ये तो निरंजन का दिन है, इसके अंदर कैरेक्टर एक्टर का की बात ही नहीं होनी चाहिए। सर, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, मुझे मालूम है बड़े हाजिर जवाब है आप, मैं दो लाइन का सवाल पूछूंगा, सब में निपटा देंगे, फिर भी जानना चाहूंगा व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट। अभी पीछे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, नेटफ्लिक्स के लिए प्रोजेक्ट है, जो अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है, जिसमें मैं और मनोज वाजपेयी साथ में हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शूट हुआ, अभी उसकी एडिटिंग चल रही है, होपफुली अगले दो चार महीने में वो दर्शकों के सामने आएगा। आई नॉट सो अर्ली टू टॉक अबाउट, बट स्टिल वांट टू नो, आप और मनोज वाजपेयी, समथिंग वेरी विल बी एक्साइटिंग फॉर ऑल द ऑडियंस। मेरे लिए पता नहीं और किसी के लिए, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मनोज के साथ मैंने थिएटर में बहुत वक्त गुजारा है 20-25 साल पहले, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। थोड़ा सा अगर यू कैन थ्रो सम लाइट, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने। अच्छा गजराज जी, क्या आप मान रहे हैं कि अब एक नई पोस्ट कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान एक नई क्रांति सी आई है, जब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में, बड़े स्टार की फिल्में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है, क्या आप मानते हैं एक नए युग की शुरुआत है? वो हमारे ही हॉलीवुड में भी हो रहा है, वेस्ट में भी हो रहा है। अभी आप देखिए कि कौन से, कल पढ़ रहा था मैं, वॉर्नर ब्रदर्स का जो 2021 में जितने भी रिलीज थे वो मोस्टली डिजिटल पर होने वाले हैं, और ये क्या बोलते हैं, इंसान है और वो जिंदा रहने के तरीके ढूंढ लेता है, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना चाहिए कि दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है ये, कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म पे नए प्रोजेक्ट जिस तरह से आ रहे हैं और दर्शक उसको पसंद भी कर रहे हैं। सर, बट डू यू थिंक दैट इट शुड बी हैव सेंसर लाइक फिल्म्स या दूसरे मीडियम जैसे सेंसर्ड होते हैं, वैसे ही जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में चल रहा है? ये अलग किस्म का सवाल हो गया, मैं उसके अंदर अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस OTT के अंदर वो का मजा हुआ है कि जो चीज़ें हम सिनेमा हॉल में या टेलीविजन पे रेगुलर चैनल्स पे नहीं देख सकते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेकर्स का खुद का होना चाहिए कि वो किस तरह से उसको, किस तरह से चीज़ें दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। एक सर और आखिरी सवाल ये कि हम इन दिनों देख रहे हैं कि शाम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उनकी बात सुनवाई की जानी चाहिए गवर्नमेंट? बिल्कुल, किसान अन्नदाता है हमारे, और मुझे लगता है कि जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमारे जो लीडर्स हैं मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जो हमारे हमारी संसद है उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर कुछ करेंगे। थैंक यू।
फैशनेबल अगर आप नहीं भी हैं तो भी बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती है एज एन एक्टर या फिर जो मीडिया में है या ग्लैमर फील्ड में है उसके लिए प्रेजेंटेबल होना, खूबसूरत होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एसोसिएशन है निरंजन भंडारी साहब के साथ पिछले 20 साल से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अभी तक जो कुछ भी मतलब हमारे ऊपर जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस या आपको नज़र आता है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो कॉस्मेटिक जितने भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो एक्टर हो या कॉमन आदमी हो। अगर आपको थोड़ा अच्छा हेयर कट चाहिए, टेक्निकली थोड़ा बेटर है, तो आपको एक अच्छे हेयर टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये फैब कट जो है ये अल्टीमेट प्लेस है और काफ़ी समय से इनकी बात हो रही थी कि ऐसा कुछ यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है, अल्टीमेटली ये हो रहा है, बहुत खुशी की बात है आज एंड वेरी थैंकफुल दैट निरंजन जी ने ये शुरू किया है एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम। ओके निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना हौसला अफजाई होती है जब जैसी शख्सियत गजराज साहब आते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, और अब हम पूरा देश एक अलग दौर से गुजर रहा है जहाँ एक नए बिजनेस नए स्टार्टअप हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दहेज सर कम से कम 20 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है और गजरा सर भी जुड़ा हुआ 20 साल से, जो उनका जो उनको जो सोच के जो आते हैं अपन उससे भी ज़्यादा उनको स्टाइलिश देख के उनको खुश करके यहाँ से मैं करना चाहता हूँ। निरंजन जी के बातों से ज़्यादा उनके हाथों में जादू है, तो ये हाँ ये हाथ के कारीगर हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके जो जादू है जो उनके हाथों में इनकी उंगलियों में है, हर किसी को जो नहीं जानते उनको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। जो भी चेंजेस आपके फेसेस में यानी आपके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयर स्टाइलिंग हो या कोई भी चीज़ें जो आप पर सूट करता है वो देख के पहचान जाते हैं, तो ही हैज़ द नैक फॉर दैट। भैया सर टीवी शोज में तो आप छाए गए, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो उसके बारे में बताइए। वैसे तो आप सभी जानते हैं ये वैश्विक महामारी जो पिछले एक साल से हमारे यहाँ पे है तो इस दौरान काम नहीं हो पाया है। 2019 के एंड तक हम लोग शूट कर रहे थे, 2020 में हमने कुछ नहीं किया और कॉन्शियसली नहीं किया क्योंकि कहीं ना तो कहीं घर पर भी बहुत प्रेशर था, 21 साल से हम लोग एक शो के पीछे लगे हुए थे। तो 2020 में जब ये महामारी शुरू हुआ तो घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप काम ना करें, और अब जिस हिसाब से शूटिंग हो रही है लोग संक्रमित हो रहे हैं, सेट पे भी लोगों को बहुत तकलीफें हो रही हैं और कैजुअलिटीज़ भी हो रहे हैं, तो ये मेरे अंदाज से फिलहाल कुछ समय के लिए तो हम बंद कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से बड़ा कॉन्शियसली हमने सोचा है कि 2020 तो जाने ही देंगे, हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे और 2021 में कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, आई थिंक फेब से शूटिंग स्टार्ट हो जाए। सर एक बात और, सीआईडी जैसे सक्सेसफुल शो रहा 20 साल तक, एक बोलो आज के ज़माने में देखिए तो बहुत सारे शोज आ गए हैं क्राइम रिलेटेड, तो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं और जितने शोज आ रहे हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा? क्वालिटी देखो क्राइम में आप कितना कर सकते हैं, या तो ऑडियंस यही कहेगी कि रिपीटेटिव है, मतलब सेम सेम दिखा रहे हैं, तो आप कितने भी शोज़ देख लो कहीं ना तो कहीं एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से मैच करते हुए आपको नजर आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे सकते हैं। जैसे सास बहु में आप छोटी मोटी हरकतों में भी चेंज कर सकते हो, बट क्राइम में एक जगह एक पॉइंट के बाद आपको राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, उसमें ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे अंदर से बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और जो हम लोग ओटीटी के लिए जो करने वाले हैं आपको देखना चाहिए, एमएक्स प्लेयर पे शायद ये हम लोग इसको ला रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन शो होगा, आप देखिए बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है, क्राइम शो है बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है। तो वैसे पिछले कई साल में कई सारे शोज आए गए आपको याद नहीं होगा, बट सीआईडी सबके दिमाग में छपा हुआ है, 21 साल ये शो चला, अपने आप में एक लैंडमार्क शो है और ये शो ऐसे ही नहीं बनता, ये शो के पीछे जो लोग जुटे हुए थे उनका एक अलग डेडिकेशन था, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ था जिसकी वजह से ये शो इतना लंबा चला। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या क्या फैसिलिटी हमें इस सैलून में देखने को मिलेगी जिससे ढेर सारे सितारे यहाँ पर प्रेजेंट हो सके? देखिए यहाँ से यहाँ पे जो फैब कट जो न्यू ब्रांचेस ओपनिंग किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट सोच के आता है, क्लाइंट जो सोच के आता है उनको मैं सोचता हर चीज़ का सर्विस यहाँ पे मिलेगा और पूरा मैं कोशिश भी करूँगा, उनके लिए कोई कम नहीं हुआ किसी चीज़ का, मैं ये चाहता हूँ। Thanks all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.